रोशनी के त्योहार दीपावली पर घरों को रोशन करने के लिए इन दिनों कुम्हार मोहल्ले में चाक की रफ्तार बढ़ गई है। चाइनीज झालरों व मोमबत्तियों के चकाचौंध ने दिए के प्रकाश को गुमनामी के अंधेरे में ढकेल दिया था, मगर पीएम मोदी के लोकल फॉर वोकल की अपील से लोगों की सोच में खासा बदलाव आया है और एक बार फिर गांव की लुप्त होती कुम्हारी कला पट्टी पर लौटने के संकेत मिलने लगे हैं, जिससे कुम्हारों के चेहरे पर अब खुशी की लहर है। हरदोई में इस बार दिवाली में कुम्हारों को उम्मीद है कि इस बार दीपावली में एक बार फिर दिया और बाती का मिलन होगा और लोगों के घर आंगन मिट्टी के दिए से रोशन होंगे। योगी सरकार द्वारा बनाए गए माटी कला बोर्ड का भी कुम्हारों को भरपूर फायदा मिल रहा है। जगमोहन प्रजापति ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक चाक मिलने से काफी बढ़त मिली है। नाम हमारा जगमोहन लाल प्रजापति है, मिट्टी का काम करते हैं और दीपावली की पोजीशन अच्छी है अब की बार, क्योंकि चाइना का काम जो है अब की थोड़ा हमें डाउन लग रहा है, तो हम लोगों की मांग अच्छी है और सरकार से भी हम लोगों को काफ़ी मददें मिली हैं। जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक चाक अभी आपने देखी सामने रखी चल रही है, तो इससे हम लोगों का कारोबार भी बढ़ा है। मिट्टी में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो मिट्टी के भी पट्टे हम लोगों को मिले हैं योगी सरकार से। पीएम मोदी के लोकल फॉर वोकल की अपील से इस वर्ष भी जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। कुम्हारी कला से निर्मित खिलौने, दिवाली, सुराही व अन्य मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ी है, तो कुम्हारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मिट्टी से निर्मित मूर्तियां, दिए व खिलौने पूरी तरह से इको फ्रेंडली होती हैं। इनकी बनावट, रंग व पकाने में किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। दिवाली पर हाथरी मंदिर की मांग काफ़ी बढ़ जाती है। पिछले 20 सालों से हाथरी मंदिर बनाने वाले कारीगर ने बताया कि हाथरी मंदिर अग्रवाल समाज में काफ़ी पसंद किया जाता है। इसे लोग अपने घरों में सजाते हैं और दिवाली के दिन इसकी पूजा करते हैं। कारीगरों ने बताया कि इस मंदिर में भगवान गणेश, लक्ष्मी की प्रतिमा के साथ शिवलिंग भी बनाई जाती है। ये हाथरी मंदिर बोला जाता है, इसको पुराने टाइम पर हाथरी बोलते थे, अब तो लोग मंदिर भी बोलते हैं। घर टाइप का होता है ये, अग्रवालों में इनकी पूजा होती है, तो अब कोई यहाँ बनाता भी नहीं है, बनाने वाले जो सबसे, अब ये केवल हमारे यहाँ ही बनता है। कब से बनता आ रहा है ये? तो हम लोग छोटे छोटे थे तब से बनता चला रहा, हमारे बाप दादे भी यही बनाते। इसमें कौन से भगवान होते हैं? इसमें भगवान शिव जी की भी मूर्ति अंदर हम लोग रख देते हैं, ऊपर लक्ष्मी गणेश की भी रख देते हैं, और इसके पीछे जो लगा होता है वो तेज होता है। हमारा नाम लालता प्रसाद प्रजापति है, कंजनपुर हरदोई का निवासी हूँ, और मेरा कार्य जो है मिट्टी के कार्य से ही संबंधित है। कुल्हड़ प्याली मूर्ति, इस समय सीजन पे मूर्ति वगैरह का काम होता है, दिए वगैरह बनते हैं। इस बार क्या मिट्टी का क्या पोजीशन है और क्या मार्केट? मिट्टी भाई इस बार हम लोगों को परमिशन नहीं मिल पाएगा शासन की ओर से, तो हम लोगों को ब्लैक में खरीदनी पड़े। 3,000 रुपये ट्राली मिट्टी मिलती है, वो दूर डाल जाते हैं उनसे, फिर 400-500 रुपया ट्राली उसको धुलाई दो, तो मिट्टी महंगी पड़ रही है।